now it is example number 8 on page number 137 of your book and it is very important. Right beta, तो ध्यान से करें. तो कहा क्या गया, देखो ऐसे दो फिगर दी हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स हैं और ये मीडियन है. मीडियन की बात समझो, जब मीडियन होते तो ये सामने वाली भुजा को इक्वल इक्वल हिस्सों में बांटती है. ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसका फायदा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी टू ए एम के बराबर है या टू बी एम के भी बराबर है, कोमा टू बी एम भी लिख सकते हैं. एंड जो है पी क्यू टू एन पी के बराबर है या कोमा में टू क्यू एन के बराबर है, इन दो बातों का फायदा हम लगाने वाले हैं. तो और क्या गिवन है, हमारे को दिया है कि सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली मीडियंस ऑफ ए बी सी ट्राइंगल की, ये मीडियंस हैं. और कहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों की दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं. तो सिमिलैरिटी का फायदा उठा लेते हैं. पहली बात तो लिख देंगे एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है और फिर उनकी साइड्स का रेशियो लिखते हैं, प्रोपोर्शन लिखते हैं. ए बी बाय पी क्यू होगा, ए बी बाय पी क्यू एंड बी सी बाय क्यू आर, ए सी बाय पी आर. ये दो रिजल्ट आ गए और एक ये रिजल्ट ले लिया हमने, मीडियन का रिजल्ट है. इन सब रिजल्ट्स को मिला करके हम अपनी ये तीन बातें प्रूव करेंगे. ए एम सी ये छोटी सी ट्राइंगल एंड पी एन आर, इसमें दिस बाय दिस तो हमारे को गिवन है और इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी बाय हम लगा देंगे पी क्यू. ए बी बाय पी क्यू, जो ए बी है टू ए एम के बराबर है एंड पी क्यू है टू पी एन के बराबर है, टू से टू कट और आ गया ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन और इनके बीच का एंगल दोनों का बराबर है क्योंकि ये हमारे को गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये लिख दिया हमने. तो दो बातें हो गई कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस और बीच का एंगल है, तो हमारी प्रॉपर्टी हो गया, हमारा क्राइटेरिया होगा एस ए एस, उससे हमारी ट्राइंगल ए एम सी विल बी सिमिलर टू पी एन आर. सेकेंड केस लीजिए, सेकेंड केस में प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव करना है, सी एम बाय आर एन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन प्रोपोर्शनैलिटी है उसका फायदा उठाएंगे. राइट बेटा, तो वो कैसे करेंगे, जो हमारे को ए बी बाय पी क्यू गिवन है, ए बी बाय पी क्यू हमारा यहाँ पे आ गया था ए एम बाय पी एन के बराबर, यस यहाँ से ये ले लिया हमने. और क्या आया था, सी एम बाय आर एन के बराबर आया था. ये रिजल्ट कहाँ से आया था हमारा, सी एम बाय आर एन, दो बातें आई हैं हमारी, हाँ यहाँ से सी एम बाय आर एन. राइट बेटा, तो ये रिजल्ट भी हमने लेना है, सी एम बाय आर एन को हमें प्रूव करना है. और देखिए ए एम सी ट्राइंगल लेनी है हमने, ए एम सी में हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी में हमें सी एम बाय आर एन ए बी बाय पी क्यू के बराबर प्रूव करना है. राइट बेटा, तो हमने क्या किया, हमने किया इसको लिया ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू देन बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर ये हमारे को दिया हो ना, इसका फायदा उठाना है हमारे को. तो फ्रॉम थ्री, थ्री से हमारे पास आ गया ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन. तो यही हमें, हमने ये इसके बराबर प्रूव कर दिया, जो हमारा ए बी बाय पी क्यू था वो ए एम बाय पी एन के बराबर था. तो हमने इस ए एम बाय पी एन की बजाय लिख दिया, ए बी बाय पी क्यू की बजाय ए बी बाय पी क्यू लिख दिया, ए एम बाय पी एन की बजाय लिख दिया ए बी बाय पी क्यू. हमने दो ट्राइंगल ली, देखो कौन सी ली हैं, ए एम सी एंड पी एन आर. ये हमारे को हम कर चुके हैं ना बेटा, ये सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हमने ये रिजल्ट लिख दिया. और इस रिजल्ट में ए एम बाय पी एन की बजाय ए बी बाय पी क्यू रख दिया, और जब ए बी बाय पी क्यू रखेंगे तो वो सी एम बाय एन आर के बराबर आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था. राइट बेटा, तो ये जो रिजल्ट हम कर चुके थे इसमें से निकाला है हमने अपना ये सेकेंड रिजल्ट. अब देखिए अब क्या करना है हमारे को, सी एम बी, सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू, आर एन क्यू इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. अब देखो सी एम बाय आर एन तो हम कर चुके हैं, यस देखिए, तो हम ए बी बाय पी क्यू पे जाते हैं जो कि हमारे को गिवन है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये दिया हुआ है हमारे को. एंड सी एम बाई आर एन भी ए बी बाय पी क्यू के बराबर दिया हुआ है. और अब हम क्या करेंगे, जो सी एम बाई आर एन है और ए बी बाय पी क्यू को हम लिख देंगे टू बी एम बाय टू आर एन के बराबर. ए बी बाय पी क्यू को क्या लिख दिया, इसमें
टू बी एम बाई टू क्यू एन, टू से टू कट हो गया, बी एम बाई क्यू एन आ गया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी एम बाई आर एन। अब हमें जरूरत किस चीज की है, बी एम बाई क्यू एन, बी एम बाई क्यू एन, देन बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर एंड सी एम बाई आर एन। ये सारी भुजाएं एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, इसलिए हमारी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के प्रोपोर्शन में हो गई। तो बेटा बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली बात तो जो गिवन दिया है उसकी सारी चीजें लिख लो, और जो हमारे को मीडियन की बात है उसका डबल रिजल्ट लिख लो। फिर क्या करेंगे हम, ए बी बाई पी क्यू में हम टू ए एम बाई पी एन लगा के, और हमारे पास दो ये दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस आ जाएगा, और बीच का एंगल ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर ये जो रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं इसकी लगाएंगे, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लगाई है जो हम प्रूव कर चुके थे। उसके बाद क्या किया, सीधा ए एम बाई पी एन की बजाय ए बी बाई पी क्यू रख दिया और हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। उसके बाद क्या करना है, इन छोटे छोटे ट्राइंगल को प्रूव करना है। उसके लिए हमें फिर से इसी रिजल्ट पे जाना होगा, ए बी बाई पी क्यू को हमने बी सी बाई क्यू आर लिखना है, ए बी बाई पी क्यू को सी एम बाई आर एन लिखना है, और ए बी बाई पी क्यू को यहाँ से ही हमें टू बी एम बाई टू क्यू एन लिखना है। और इसको कट करके हमें इस ट्राइंगल की प्रोपोर्शनैलिटी पे पहुंचना है, क्योंकि ये सारे साइड्स प्रोपोर्शन है इसलिए ये सिमिलर हो जाएगा। ओके बेटा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। यस 10th क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 10। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए सी बी एंड एफ जी एच के, ये बाइसेक्टर है। तो 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, तो हमें क्या करना है, देखिए क्या कहता है, एंड लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई, ये देखो ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट बेटा। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, अगर ये पूरी ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो हमने उसका रिजल्ट भी लिख दिया, साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख दिया, एंगल्स को इक्वल लिख दिया। जब ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है तो क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये रिजल्ट भी लिख दिया। इसका हाफ ऑफ किया ना, तो हाफ ऑफ सी, 1 इक्वल टू 3 हो गया, 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल को उठाओ, सबसे पहले इस रिजल्ट को उठाओ, डी सी ए एंड एच जी एफ, इस रिजल्ट को उठाओ। इसको करने के लिए प्रूव हमने क्या किया, ये एंगल तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, ये रिजल्ट हमें दिया हुआ है, राइट बेटा। तो और ये एंगल कॉमन है, इस रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है। यस, ये एंगल हमारे को हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल यहाँ पे, और ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, सिमिलर। और सिमिलर होने के बाद में दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, और वही रिजल्ट में चले जाओ। इस वाले रिजल्ट में क्या था हमारा, एफ जी बाय ए सी बाय एफ जी इज इक्वल टू हमारा आ गया सी डी बाय जी एच, वो रिजल्ट भी प्रूव हो गया। देखो ए सी बाय एफ जी इज इक्वल टू सी डी बाय, जब ये आप कर दोगे ना सिमिलर तो ये रिजल्ट लिख देना, ये रिजल्ट लिखते ही हमारा सेकंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इस फर्स्ट पे पहुंचो, क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि देखो ये प्रूव कर देना हमने, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और उनके बीच का एंगल बराबर है, इसीलिए हमारा ये फर्स्ट सेकेंड वाला रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो हमेशा समझो कि हम उस क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट पर पहुंचे, आप सिस्टमेटिकली करेंगे। अगर मान लो इसी को पहले प्रूव करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्रूव करो कि सिमिलर हैं, फिर हमारी ये साइड इस साइड के बराबर आ जाए, बाय प्रोपोर्शन में आ जाएगी, फिर ये तो थी ही प्रोपोर्शन में, बीच में एंगल आ गया, और बीच में ये रिजल्ट तो अपने आप ऑटोमेटिकली जब आप इसको सिमिलर करेंगे तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो तीनों रिजल्ट हमारे इस तरीके से प्रूव हो जाते हैं बड़े आसानी से। तो देखो ये था हमारा रिजल्ट नंबर 3rd था, और ये रिजल्ट नंबर हमारा 2nd प्रूव हुआ, नहीं 2nd नहीं 1st था, यस। और ये हमारा 2nd रिजल्ट नंबर प्रूव कर दिया हमने, SAS क्राइटेरिया से प्रूव किया। ओके बेटा, तो सिस्टमेटिकली चलेंगे तो और कंफ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन आराम से हो जाए। 10th क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 141 ऑफ योर बुक एंड फिगर इज गिवन टू यू। और देखिए क्या फिगर दी गई है, एबीसी एक ट्राइंगल है, और जो है हमारे को क्या कहता है, ई इज द पॉइंट ऑन बीसी जो इसको प्रोड्यूस करके, और फिर ई एफ को मिला दिया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है।
तो कहता है कि ए बी डी ये खड़ी ट्राइंगल और ये पड़ी ट्राइंगल ई एफ सी इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो ध्यान से करना है, देखो इसने कहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, इसका इस्तेमाल करो एंगल बी सी के बराबर, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब इस ट्राइंगल को ले लो, देखो ये 90 प्लस एक्स को 180 में से घटाएंगे तो एंगल ई आ जाएगा, ये आ गया हमारा एंगल ई, ये वाला 180 प्लस 90 माइनस एक्स। और एंगल ए भी निकालो ऐसे ही, ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए बी ए डी, बी ए डी कैसे निकलेगा, बी ए डी निकलेगा आपका बेटा, ये भी ऐसे ही निकलेगा 90 प्लस एक्स को 180 में से घटा देंगे तो दोनों एंगल सेम हो गए, ये दोनों एंगल ये वाला एंड बी ए डी भी हमारा सेम हो गया, ये वाला बी ए डी एंड हमारा एंगल जो है ई एफ सी और ए डी ई, ई एफ सी 90 डिग्री ए डी ई 90 डिग्री, तो दो एंगल बराबर हो गए हैं हमारे, एक ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ए बी डी एंड ई एफ सी। ओके बेटा, यस बेटा 10th क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 12। और क्या दिया गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में साइड ए बी एंड बी सी एंड ए डी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी एंड ए डी, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड ए डी बाय पी एम। देखो ए बी बाय पी क्यू एंड बी सी बाय क्यू आर एंड ए डी बाय पी एम, ये हमें गिवन है। इसका फायदा उठाते हुए कहता है आर रेसिप्रोकली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल दिए हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस गिवन है। तो कहता है कि पूरी ट्राइंगल ए बी सी को इस पूरी ट्राइंगल के सिमिलर करके दिखाओ। तो ध्यान से देखना है, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, इसका फायदा उठाएंगे, जो बी डी है वो ट्वाइस बी सी बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया है। और ये कैसे आया है ट्वाइस बी सी, देखिए जो बी डी है दैट इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, इस बी डी को बी सी का हाफ लिख सकते हैं, क्यू एम को क्यू आर का हाफ लिख सकते हैं, तो यहां से बी सी आ गया ट्वाइस बी डी, जो रिजल्ट मैंने पहले ही लिख दिया है, और क्यू आर आ गया ट्वाइस क्यू एम। तो अब जो हमें ये गिवन था इसमें लगा दीजिए ए बी बाय पी क्यू, बी सी की जगह पे टू बी डी लगा दिया, क्यू आर की जगह पे टू क्यू एम लगा दिया, टू से टू कट हो गया, बी डी बाय क्यू एम ए डी बाय पी एम, राइट बेटा। तो देखो क्या क्या आया हमारे पास, दिस बाय दिस, बी डी बाय क्यू एम एंड ए डी बाय पी एम, और ऐसा करने से हमारी ट्राइंगल ए बी डी आ गई है कॉन्ग्रेंट पी क्यू एम के, तो इसका ये एंगल आ गया इस एंगल के बराबर, यही हमें चाहिए था। अब देखो दिस बाय दिस तो पहले ही गिवन है, और दिस बाय दिस हम अभी कर चुके हैं, ये देखो बी डी बाय क्यू एम के बराबर, और ये एंगल हमारा कॉमन है, यानी कि कॉमन क्या है, इक्वल है, इसका बी और इसका डी इसका क्यू एंगल कॉमन है, इक्वल है, इक्वल है किससे आया था, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, राइट बेटा। तो ये दो क्वालिटीज होने के बाद में एस एस क्राइटेरिया से बोथ ट्राइंगल्स कौन कौन सी, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ना सिमिलर है, राइट बेटा। तो सिमिलैरिटी है, बी सी बाय क्यू आर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे बी सी बाय क्यू आर, बी डी नहीं लिखेंगे, बी सी बाय क्यू आर, क्योंकि हमें तो फुल लेनी है ना, तो हमें इसका इस्तेमाल करना है इस वाले रिजल्ट का, ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर, ये एंगल निकालने के लिए हमने ये सब काम किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारी दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ओके बेटा, यस बेटा 10th क्लास, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड विच ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल दी है, ये दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, और ये मीडियन ए डी बाय पी एम हमारे को इक्वल दिया गया है, ए डी बाय
पीएम, देखो एडी बाय पीएम, एसी बाय पीआर, इसी का फायदा उठाएंगे और कैसे करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एडी को ऐसे प्रोड्यूस करेंगे जी तक कि ये और ये बराबर हो और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। सेम केस हियर, पीएम को हम प्रोड्यूस करेंगे एच तक, क्योंकि इस तरीके से पीएम इक्वल टू एम एच हो जाए। ये देखो मैंने लिखा है, यहां भी लिखा है एडी टू डी जी सो दैट एडी इक्वल टू जी डी, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, राइट बेटा। तो इसका भी रीजन है, अभी बताऊंगी क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। और इसको ज्वाइन कर देंगे सीजी को एंड एचआर को। अब क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली चलना है, बिल्कुल सोच समझ के पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, फिर इस और इस ट्राइंगल को, इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, क्योंकि मीडियन है, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ये यहां पे लिखी हुई है मैंने, बी डी इक्वल टू डी सी, ये क्या है हमारा मीडियन की वजह से, राइट बेटा। और यहां पे भी हमें ऐसा ही काम करना है, यहां पे क्यू एम इक्वल टू एम आर हो जाएगा हमारा मीडियन की वजह से। और ये देखो, और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, यहां भी कंस्ट्रक्शन किया था पीएम इक्वल टू एच एम, कंस्ट्रक्शन से ये इक्वल था, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट बेटा। यहां भी लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने यहां पे नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू आर एम एच, आर एम एच। एक ये भी बात होगी, जब ये तीनों बात मिलेंगी और यहाँ पे तीनों बात मिलेंगी, तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट, तो उससे क्या रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आएगा जिसे हमें यूज करना है, इसलिए हमने कॉन्ग्रेंसी की है। ए बी विल बी इक्वल टू सी जी एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू एच आर। अब चले जाइए अपनी प्रोपोर्शनैलिटी पे, जो गिवन है, ए बी की जगह पे सी जी रख दो एंड पी क्यू की जगह पे एच आर रख दो। और क्या करेंगे हम, और हम करेंगे जो एडी है और जो पीएम है उनको डबल डबल लिख दो। जब डबल ऑफ एडी लिखेंगे तो एजी बन जाएगा, डबल ऑफ पीएम लिखेंगे तो पीएच बन जाएगा, एजी बाय पीएच आ गया। अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है रिजल्ट हमारे पास, एसी बाय पीआर को ऐसे रहने दो। देखो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और ये ट्राइंगल, ये लंबी लंबी ट्राइंगल, ये हो गई है सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों किया है, ताकि हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर सकें, ठीक है। सिमिलर होते ही ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ एंगल को भी बराबर कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया सिमिलरली, ये आप कर लेना, ओके बेटा। ये लंबी ट्राइंगल इस लंबी ट्राइंगल के बराबर होगी, इसलिए एंगल वन एंगल टू के बराबर हो गया। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, और जब हम वन और थ्री को ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करेंगे, वन और थ्री को, टू एंड नहीं, वन एंड टू को, थ्री एंड फोर को, वन एंड टू को करेंगे, वन प्लस टू थ्री प्लस फोर, ये पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू पी क्यू पी आर, समझ में आया। तो ये पूरा एंगल हमने इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। जब ये बराबर हो गया तो दिस बाय दिस तो हमें गिवन था, दिस बाय दिस भी हमें गिवन था, ये देखो ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, और ये बीच का एंगल आ गया। तो बाय, तो बाय देखिए क्या, एस ए एस ए एस क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर एंड ये एंगल बीच का बराबर हो गया। एस ए एस क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो कितना बड़ा प्रोसेस करना पड़ा, हमने कंस्ट्रक्शन की, इसको इसके बराबर लिया, इसके बराबर लिया, फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, फिर ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, वो हमने अपनी इस जो प्रोपोर्शनैलिटी गिवन थी उसमें बदल दिया, ए बी को सी जी से, पी क्यू को एच आर से। और फिर एक और मेन इंपॉर्टेंट काम किया, एडी को ट्वाइस एडी लिखा, पीएम को ट्वाइस पीएम लिखा, उससे क्या हुआ, जब ट्वाइस लिखोगे तो ए जी बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगी, सिमिलर आते ही एंगल वन एंगल टू के बराबर आ जाएगा, राइट बेटा। और जब एंगल वन टू के बराबर आ गया और थ्री फोर के बराबर आ गया, जब वन प्लस थ्री करेंगे, यहाँ पे वन प्लस थ्री करेंगे, टू नहीं करेंगे, वन प्लस थ्री दिस एंड टू प्लस फोर, यस टू प्लस फोर करेंगे, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा।
यही एंगल हमें चाहिए था, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी तो हमें गिवन थी, ये एंगल हमें चाहिए था, उसके लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ा, पहले इसको बढ़ाया, फिर कॉन्ग्रेंट किया, फिर इन ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, फिर हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव किया, सिमिलरली इन दोनों को लिखा, फिर हमने एस ए एस क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली करते हैं कि हमें ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। अगर आप सिस्टम से नहीं समझेंगे, रीजन से नहीं समझेंगे, देखो हमने इसको बढ़ाया इसके बहुत सारे रीजन से, ताकि हम इसको इसके सिमिलर प्रूव कर सके, ताकि हम इसको और इसको बदल सके, राइट बेटा। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए काफी सारे रीजन होते हैं जब हम कोई स्टेप लेते हैं, तो सिस्टमेटिकली करो, बड़े आराम से हो गए क्वेश्चन। 10th क्लास, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान भी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या कहता है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी पॉइंट है ऑन बी सी पे है ये, और ट्राइंगल ए बी सी हमारी ट्राइंगल गिवन है, सच दैट ए डी सी, ये एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। तो हमने क्या किया, ए बी सी ट्राइंगल को लिया, ए डी सी ट्राइंगल को लिया, तो जब हम बड़ी ट्राइंगल का और इस छोटी ट्राइंगल का ये दोनों एंगल बराबर है, और ये एंगल सी देखो इस छोटी ट्राइंगल में भी है और इस बड़ी ट्राइंगल में भी कॉमन है ना, तो ये दो एंगल हमारे बराबर आ गए दोनों एंगल से, ए ए क्राइटेरिया से, ए बी सी ये बड़ी और ए डी सी ये छोटी ट्राइंगल जो है क्या बन गई, ये बड़ी और ये छोटी ट्राइंगल हमारी सिमिलर हो गई। सिमिलर होते ही हमें इनकी प्रोपोर्शनलिटी लगानी है, देखो ए बी बाय डी ए, बी सी बाय सी ए एंड सी ए बाय डी सी, देखो अब जो हमें चाहिए वो ले लो, ये दोनों को उठा लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी बी बाय सी ए इज इक्वल टू सी ए, ए सी को सी ए लिख सकते ना, सी ए बाय सी डी, तो सी ए का स्केयर विल बी इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, देखो सी ए स्केयर, सी ए स्केयर, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सो इट वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं, 3 मार्क्स में आपके ये पक्का आ सकता है। ओके बेटा, 10th क्लास, नॉट इज अ क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर का है और शेडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर की, और एक टावर है वो कितना है, एंड एट द सेम टाइम अ टावर, सेम टाइम है देखो, कास्ट अ शेडो ऑफ 28, ये टावर खड़ा है, इसकी हाइट का नहीं मालूम और ये 28 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है। अब टाइम सेम है, सन जो है सेम टाइम पे दोनों की शेडो बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि सीधे खड़े ना 90 डिग्री, और ये एंगल ऑफ द डिप्रेशन भी सेम रहेगा, क्योंकि जब सन उनकी शेडो बनाएगा तो वो एंगल दोनों का सेम बनेगा, इसलिए बाय ए ए क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, सो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 28 इज इक्वल टू 4x, x विल बी इक्वल टू 6 × 28 / 4 इज इक्वल टू 42 मीटर, 4 × 7 = 28, ओके बेटा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आई है हमारी हाइट ऑफ द टावर पूछा गया था, यस बिल्कुल हाइट ऑफ टावर आ गई है, ये हमारा आंसर है, ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16, एंड एवरेज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं और आप पहले कर भी चुके हैं एग्जाम्पल में। इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस, कहता है ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, और क्या कहता है और क्या गिवन है, कहता है कि पूरी ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब जब सिमिलर है तो हमारा ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर एंड ए सी बाय पी आर, एक तो ये कंडीशन हमारे को गिवन है, ये गिवन है, ध्यान रखो गिवन का, और एक ये गिवन है एंगल, दिस एंगल इज दिस एंगल, दिस एंगल इज दिस एंगल एंड दिस एंगल, यही फायदा उठाएंगे हम। अब एक स्टेप आपने क्या करनी है, देखो बी डी क्या होती है ट्वाइस बी सी होती है, क्यू एम जो है ट्वाइस क्यू आर है, क्योंकि ये मीडियन है ना, तो ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए बी सी को हम ट्वाइस बी डी को, बी डी को ट्वाइस बी सी लिख सकते हैं, क्यू एम को ट्वाइस क्यू आर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया हमने, बी सी यहाँ पे 2 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 2 लगा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो जब ट्वाइस बी सी को बी डी लिख सकते हैं, ट्वाइस क्यू आर को क्यू एम लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और बीच का एंगल यानी कि साइड एंगल साइड, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गई तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस आ गया।
क्या आया, ए बी बाय पी क्यू, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ए बी बाय पी क्यू। यस, यहाँ पे क्या था हमारा, हमें क्या प्रूव करना था, ए बी प्रूव करना था, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये प्रूव करना है, राइट बेटा। तो यही हमारा आ गया, यही हमें प्रूव करना था, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। हमने क्या करना है, सिमिलैरिटी का पहले यहाँ पे लगाना है, टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको चेंज करना है और इस एंगल का फायदा उठाना है, और फिर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करते ही हो गया दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, यही प्रूव करना था। ओके बेटा।